हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वेजिटेबल रागी परांठा की रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक बहुत ही हेल्थी ब्रेकफास्ट है। अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप इसे अपने रेगुलर डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। वेजिटेबल रागी परांठा तैयार करने के लिए आपको चाहिए एक कटोरी रागी और मैंने एक कटोरी चने का आटा लिया है। अब इन दोनों को ही एक बड़े बर्तन में मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें कटी हुई सब्जियां ऐड करेंगे जो मैंने पहले से ही चॉप करके रखी हैं, जैसे कि प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, पनीर, अदरक और दो हरी कटी हुई मिर्च। इन सभी को हम रागी के आटे में मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे और सारी सब्जियों को और नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसका एक डो तैयार करना है। उसके लिए हम गर्म पानी का प्रयोग करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें गर्म पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। अब आपका डो बिल्कुल तैयार है और इसे अब 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। अब डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके परांठे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब परांठों के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा घी लगाकर इसको अच्छे से सेक लें। अब आपका वेजिटेबल रागी परांठा बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको गरम गरम दही अचार किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।